Uh, सबसे पहले ये कोशिश रहती है कि कोई भी ऐसा क्राइम हो जो कि अगेंस्ट गर्ल्स हो तो उसका इमीजिएटली uh, हम उसमें इमीजिएटली जो भी अक्यूज है उसको कैच हो uh, तो उसके अलावा हमारी ये भी कोशिश रही है लास्ट दो तीन चार हफ्तों से कि हमने नारकोटिक्स पे काफ़ी काम किया है यहाँ यहाँ के यूथ में ये चीज़ हमने देखी है कि नारकोटिक्स आहिस्ता आस्ता बड़ा यहाँ पे वो हो रहा है और उसके लिए भी हमने बहुत से स्टेप uh, uh, उठाए हैं तो उसके बाद मैं आता हूँ वापस की ये जो आज का वाकया है ये काफ़ी दुख दुखदायक का। हैली शॉकड कि ऐसा कुछ मेरे टाउन श्रीनगर में हो सकता है कि कोई आदमी कि किसी के घर पे जाके चोरी की कोशिश करना और उनको फिर उन पर अटैक करना ये मैं कभी सोच भी नहीं सकता था बट आई वी रियली अप्रिशिएट कि यहाँ के लोकल्स ने भी जो हमको असिस्टेंस दी लोकल्स भी जागरूक थे और हमारी उनके साथ हमेशा से मेरा यही मानना है कि हम लोगों की और लोकल्स की कोपरेशन अच्छी होनी चाहिए अगर हम कि आम शहरी अगर हमारे साथ कोऑपरेशन करेंगे तो ऐसे क्राइम्स को हम रोक देंगे और वी विल इंश्योर कि इतना स्ट्रॉन्ग इफेक्ट जाए हमारा पहले वाला भी जो हुआ है केस उसमें भी ऐसी सजा दी जाए कि कोई भी ऐसा करने के पहले हज़ार बार सोचे और ये जो आज वाला भी है वाक्य यहाँ भी हमने इसका पूरा लिया संज्ञान लिया है इसकी एफआईआर रजिस्टर हो गई है स्ट्रॉन्ग सेक्शंस ऑफ हाउस टेस्ट पास असाल्ट करना उसके अलावा आउटरेजिंग द मॉडिस्ट्री ऑफ ए गर्ल ये सब सेक्शन एप्लीकेबल हमने किए हैं और अभी हमने इसको फॉर्मली रेस्ट किया है इसकी हम अभी रिमांड लेंगे और अगर इसका कोई और साथी भी इसमें इन्वॉल्व है उनको भी हम रेस्ट करेंगे जनरल पब्लिक से मेरी खाली यही रिक्वेस्ट है कि ऐसा कोई भी वाकया किसी की नज़र में आता है तो प्लीज़ इन्फॉर्म हम यहाँ पर आपके लिए ही हैं और क्राइम अगेंस्ट गर्ल्स का तो बिल्कुल देयर विल बी नो कंप्रोमाइज़ एट ऑल श्रीनगर में जो हो रहा है ये आ, मेरे लिए भी बड़ा एक शॉकिंग है कि लोग ऐसा करने के बारे में सोच भी सकते हैं मेरी यही कोशिश रहेगी कि आगे ऐसे वाक्य ना हों